हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता पूरी कुकिंग एट होम किचन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही एक बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर स्कॉच क्रंच। बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर में बटर स्कॉच आइसक्रीम और केक बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है और कितना ही क्रंची बना है, इसकी आवाज़ सुन के ही आपको पता चल सकता है। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए अब हम वो देख लेते हैं। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप शुगर, 1/4 कप ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और काजू लिए हैं, और 2 चम्मच मक्खन। ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में हम चीनी ऐड करेंगे और इसका फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम में चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, अभी हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अभी ये चीनी और अच्छे से मेल्ट हो गई है, अभी हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसे लगातार चलाते रहें नहीं तो ये जल जाएगी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मक्खन। मक्खन ऐड करते ही हम इसे फटाफट से मिक्स कर देंगे और इसका फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। ये देखिए मक्खन भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और काजू लिए हैं, आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पहले से ही एक प्लेट में बटर पेपर लगा के रखा था, अभी हम इसे फटाफट से उसमें पलट लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मली प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, पहले से ही ऑयल लगा के रखें और इसे फटाफट से पलट लें। इसे रूम टेम्परेचर में ही सेट होने दें। इसे सेट होने में कम से कम 40 से 50 मिनट लगेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी ईजीली ये बटर पेपर से निकल गया है और ये कितना ही क्रंची बना है, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ सुन के कितनी ईजीली ये टूट भी रहा है। अभी हम इसे बेलन की मदद से अच्छे से क्रश कर लेंगे। अगर आप और ज़्यादा बारीक चाहते हैं तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। बटर स्कॉच क्रंच तैयार है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर 6 मंथ के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपका जब मन हो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।